हमरा आवाज में रउआ सब बहुत कान सुन ली और बड़ा दुलार प्यार देख ली। एक तत्काल के अभी करेंट घटना बा जौन पेपर पत्रिका मीडिया आप लोग देखले हो कब सुनले हो कब अनहोनी घटना बा। श्री देवी के श्रद्धांजलि के रूप में ये बिरहा के रुआ सब के बीच हम भेजे तानी। टीएफ यानी टीम फिल्म इंडिया की नंबर वन कंपनी ये हमार बिरहा आप सब के बीचे जा रहल बा। जेकर प्रबंधक राघवेंद्र जी बाणन और संयोजक राजकुमार यादव जी बाणन। यही लोग के नेतृत्व में हरिओम स्टूडियो बक्सर में रिकॉर्डिंग हो रहल बा। रिकॉर्डिस्ट अमित जी बाणन। हमके आशा ना बल्कि पूरा ही विश्वास बा कि अगर ध्यान से उन्हें बिरहा के सुनब तो आंख से आंसू आवे न आवे कितना हूं पत्थर दिल होगा बाबू कलेजा पसीज जाएगा। कभी जी बड़ी अच्छी बात लिखे हैं चार लाइन भूमिका के अंदर क्या कि प्रतिबिंब उनकी निहारे ये दुनिया करके कलाकृत ऐसे गई हो दुखितिया सुमा है बहाय नीर धरती अचंभित सभी है अरे कैसे गई हो थी मशहूर थी नूर मशहूर कोही नूर थी ओ थी नूर मशहूर कोही नूर थी ओ जाने से उसके है गमगिनी दिशाएं थी शख्सियत श्री देवी जी ऐसी सदा कीर्ति गाएगी उनकी फिजाए जब ये घटना घटी बाबू एक बार पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूब गया। शब के जबान से ये आवाज आने लगी कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। लेकिन कहल जला कि कोट कर चतुराई विधि के लिखा मिट न जाई जवन लिखल रही तवने हुई कहां का होके के बा उतन टाइम निश्चित बा। आदमी के केवल जानकारी नहीं खे बाबा। स्वर्गीय श्री देवी जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो महा कलाकार थी और उसकी आत्मा जहां कहीं भी हो मालिक स्वर्ग में ऊंच स्थान दे। उन्हीं की श्रद्धांजलि के रूप में ये बिरहा आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। एक लाइन तर्जबा का गजल का लाइन बा मास्टर है तरज हो कि अरे ऐसा कैसे हो जाई ऐसा कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा जाई क्या
बिहारी के घर के बिखर जाई बिहारी के घर लेकिन एक लाइन एक लाख का लिखल गई कवि ने भाव दिया क्या यारे जाए के तो सबके जाए के तो सबके आइल इहा जे भी हो जाए के तो सबके जाना जरूरी है जो आया है वो जाएगा जाए के तो सबके आइल इहा जे भी हो से बात का शुरुआत हो गई ध्यान दिहन कहानी कैसन बा कहां से लिहल गल बाबा हौसला है तो आसमान को झुका दोगे हौसला है तो आसमान को झुका दोगे चांद तारों को धरती के ऊपर ला दोगे कहाँ से लिहल बा राज तमिलनाडु शिवकांसी की कहानी है राज तमिलनाडु शिवकांसी की कहानी है मीनाम पट्टी में जहाँ रहते दो प्राणी है अपन राजेश्वरी जहाँ करे गुजारा हो दो थी बेटी दो लाल थे दुलारा हो यंगर सुशील मृदु भाषी मिलनसार रहे करते वकीली वह बहुत ईमानदार रहे श्री देवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को भइल याद रखें उनका पूरा नाम अम्मा अपन यंगर था लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर के उनका नाम श्रीदेवी रखा गया पिताजी उनके पिताजी अयपन रहलन अयपन के बाबूजी पहली शादी हुई थी उसकी पहली शादी से भी दो लड़के और एक लड़की थी आगे मतलब श्रीदेवी के सौतेला दूगो भाई एगो बहिन रहलन श्री देवी अपन जी के दूसरी औरत का लड़की रहली धीरे धीरे सयान होके लगली आ जब धीरे धीरे सयान होके लगली तो भइल का तर्ज बा तर्ज का लाइन बा गीत से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गेल का बाबूजी आज सोचत हवन श्री देवी के पिताजी बेटी के बारे में श्री देवी के बारे में का सोचत हवन होनहार बड़ी मोर बिटिया बाबूजी सोचे मनवा ऊ पढ़े जाए लगली भैया बहनी के संगवा अरे भैली चार
साल के कमाल कैली हो, अब भैली चार साल के कमाल कैली हो, फिल्म में एक्टिंग से धमाल कैली हो, भैली चार साल के कमाल कैली हो, फिल्म में एक्टिंग से धमाल कैली हो, संग लगली पढ़े आ दिल में सपना सजवली बड़े बड़े, दिल में सपना सजवली बड़े बड़े, दिल में सपना सजवली बड़े बड़े, सदमा से पब्लिक उनके ख्याल कैली हो, सदमा से पब्लिक उनके ख्याल कैली हो, फिल्म एक्टिंग में धमाल कैली हो, चार बरिस के रहली तबे भगवान कैसन मर्जी की उनके एक्टिंग करे के फिल्म में मौका मिल गया, और चार बरस के उम्र में ही जो एक्टिंग की वो लड़की पब्लिक दीवाना होने लगी। आज पब्लिक दीवाना होके लगल, धीरे धीरे उम्र बढ़े लगल और हिंदी फिल्म में भी चांस मिल गया। सबसे पहले हिंदी फिल्म में जूली फिल्म में आईली, जूली के बाद तो बहुत फिल्म के लिए सदमा फिल्म पर इनका के अवार्ड मिलल बेस्ट हीरोइन के, उसके बाद तो फिल्म की लाइन लग गई बाबू, और फिल्म हिंदी फिल्म की लाइन लगी जैसे 16वां सावन की जूली की, सदमा की कमल हसन जी के साथ, नगीना की जुदाई की, इसी तरह से फिल्मों को लाइन लगने लगी। अब इनकर भाग चमक गई हिंदी फिल्म में आके, तब कभी जी भाव दिहलन एक दिन भइल का, आई सुहाग राती जहिया, मगर गीत से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन लिखल गई का, होतरा है शूटिंग फिल्म के, कुछ बढ़ गई दिल के, पता कुछ बढ़ गए दिल के, पता कुछ बढ़ गए दिल के, होतरा है शूटिंग फिल्म के, बात कुछ बढ़ गई दिल के, प्यार जागल दिल के भीतर आए भैया, प्यार जागल दिल के भीतर आए भैया, लड़ गई लिमी तुमसे नजरिया आए मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ उनका शूटिंग चल रहा था। उसी शूटिंग के दौरान में बाबूजी हुआ है क्या, चोरी चोरी गावे लगली प्यार के गीतिया, चोरी चोरी गावे लगले प्यार के गीतिया, चोरी चोरी गावे लगले प्यार के गीतिया, दिन दुना रात चौगुना बड़े प्रीतिया, भैली उनके प्यार में बावरिया ये।
राकेश रोशन की फिल्म थी जाग उठा इंसान, और वही शूटिंग चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती की और श्रीदेवी की, जबकि मिथुन चक्रवर्ती जी शादीशुदा थे। बाबा। लेकिन वहां से प्रेम गाढ़ हुआ और वो प्रेम एक दिन आकर के पति पत्नी के रूप में बदल गया। मिथुन जी शादीशुदा हो रहते हुए श्रीदेवी से अपनी शादी कर लिए। जब श्रीदेवी से शादी कर लिए 1985 से लेकर के 1988 तक मिथुन जी के रिश्ता श्रीदेवी के साथ रहा। 1988 के बाद श्रीदेवी का रिश्ता और मिथुन का रिश्ता में दरार होने लगा। तब बाबूजी नतीजा निकला क्या? क्या? वह तरजबा गाल दिहल मीस हो, गाल दिहल मीस हो, बरता खीस हो, गाल दिहल मीस हो, बरता खीस हो, गाल दिहल मीस हो, बरता खीस हो, खाली आधा घंटा से लेट बड़ा खीस हो, खाली आधा घंटा से लेट बड़ा खीस हो, खाली आधा गाल दिहल मीस हो, बरता खीस हो, खाली आधा घंटा से लेत बड़ा खीस हो, खाली आधा घंटा से लेत बड़ा खीस हो, खाली आधा घंटा से लेत बड़ा खीस हो, आगे जानी बढ़ा देखा चुवा पसीना पसीना पसीना, आवे फूल गेना आवाये फूल गे ना डोला बतानी बेना, आवाये फूल गे ना डोला बतानी बेना। मगर गाना का भाव बा बढ़े लागल भाव हो, सही चले दाव हो, बढ़े लागल भाव हो, सही चले दाव हो, बढ़े लागल भाव हो, सही चले बढ़े लागल भाव हो, सही चले दाव हो, फिल्मी जगत में भाई लखू बनाओ, फिल्म जगत में भाई लखू पे नाम हो, फिल्म जगत में भाई लखू पे नाम हो, लोग फिल्म देख इनकर लाइन लगाई लगाई लगाई, गिरावे सब पे बिजली, गिरावे सब पे बिजली बनी हवा हवाई, गिरावे सब पे बिजली बनी हवा हवाई, गिरावे सब पे बिजली बनी हवा हवाई, गिरावे सब पे बिजली बनी। फिल्म का ग्राफ ऊंचा होके लगल, भाव बढ़े लगल, और भाव के साथ साथ कीमत भी बढ़े लगल, हिम्मत वाला से चढ़ल इनकर ग्राफ हो, हिम्मत वाला से चढ़ल इनकर ग्राफ हो, हिम्मत वाला से चढ़ल इनकर ग्राफ हो, आ सुपर स्टार बनली बात भइल साफ हो, सुपर स्टार बनली बात भइल साफ हो, सुपर स्टार बनली बात भइल साफ हो, जवन फिल्म आवे हो आगू लगावे हो, चांदनी नगीना सबके मानवा के भावे हो, चांदनी नगीना सबके मानवा के भावे हो, चांदनी नगीना सबके मानवा के भावे हो, हिट फिल्म इनकर मिस्टर इंडिया जुदाई जुदाई जुदाई, गिरावे सब पे बिजली, गिरावे सब पे बिजली हवा हवाई, गिरावे सब पे बिजली चांदनी नगीना जैसन फिल्म, मिस्टर इंडिया जोन फिल्म बॉलीवुड के पूरा हिंदुस्तान खातिर हिंदी फिल्म में एगो बहुत ऊंचा ओहदा के फिल्म दिहली और बहुत पैसा कमेलस ई फिल्म।
तो बाबूजी धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया, और जब ग्राफ बढ़ता गया एक दिन इसी बीच एक और घटना घटी। क्या घटना घटी है? अरे बेबी के जलवा फैलल सगरो, चांदनी चांद सी जगमग भैली तब श्री देवी। घटना क्या घटी है बाबू? देखें, मिस्टर इंडिया फिल्म बोनी कपूर जी करने के लिए, बोनी कपूर जी पहले से भी श्री देवी के बहुत फैन थे, अच्छे फैन थे, ये पत्रिका में प्रमाण मिला है। तो मिस्टर इंडिया अनिल कपूर को लेकर के वो फिल्म बनाना शुरू किए और श्री देवी को गए साइन कराने के लिए। श्री देवी पहले न कर गई, उनकी माँ ही सब कुछ देख रेख करती थी, तो नहीं करना चाहती थी श्री देवी मिस्टर इंडिया फिल्म। ऐसे टार दिया इनकी माई जो उन कह दियन हम कह दे। माई भी टारने के लिए 10 लाख रुपया उस जमाने में मांगी थी बोनी कपूर से, कि 10 लाख रुपया फिल्म के लिए श्री देवी लेगी। बोनी कपूर बोले कि 10 लाख नहीं, 11 लाख रुपया लीजिए, साइन कीजिए। 11 लाख रुपये पर साइन हुई, और वहीं से मिस्टर इंडिया से ही बोनी कपूर सेट पर मिले हैं और श्री देवी वहीं से, बोनी कपूर से और श्री देवी से प्यार की शुरुआत हुई। अंजाम निकला कि जब मिथुन जी को ये पता चला, धीरे धीरे कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। आज जब मिथुन के पता चलल बाम, तो अपना सच्चाई के जनावे खातिर, मतलब ई प्यार छुपावे खातिर, इतना तक कि एक बार श्री देवी प्रमाण मिल रहा पत्रिका में कि बोनी कपूर के राखी भी बांध देले बड़े। मिथुन के जनावे खातिर कि नहीं हमारा से कोनो काम गड़बड़ नहीं के, लेकिन काम तो गड़बड़ हो चुकल बा। वही ले प्यार के शुरुआत भइल, आखिर अंजाम निकलल कि कुछ दिन के बाद प्यार बोनी कपूर से और श्री देवी से रिश्ता के रूप में बदले लागल। जबकि बोनी कपूर की शादी थी पहली औरत, और पहली औरत से बेटा भी था। शादीशुदा बोनी कपूर रहते हुए, बेटा को रहते हुए श्री देवी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। नतीजा निकला कि श्री देवी बोनी कपूर से अब शादी करने के लिए तैयार हो गई, मिथुन से खटपट हो गया। और बोनी कपूर जो पहली औरत थी उसे तलाक दे दिए, तब अब शादी रचाए। लोग कहने वाले ये भी कहते हैं, उस समय कहने लगे सब लोग कि श्री देवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, श्री देवी एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जो होना था वही हुआ, आखिर श्री देवी बोनी कपूर से इतना नजदीक आ गई, वो दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई। अंजाम निकला, बोनी कपूर पहली औरत को तलाक दे करके और श्री देवी से शादी कर लिए। हुआ क्या बाबूजी? बाबूजी कि जुटल सागुन फेरो, जुटल सागुन फेरो, बादल सहनाई दुल्हन बनी के गईली पिया घर आई। सपना के रंग में बेदरंग भई लहाली, मुंह के देख
खाई मिलल उनके गाली। सपना के रंग बेदरंग भइल हाली, मुंह के दिखाई मिलल उनके गाली। बता रहा था बाबू कि कुछ लोग आवाज देने लगे श्री देवी ऐसा काम ये ठीक नहीं की, बोनी कपूर का बसा बसाया घर उजाड़ दी। लेकिन जो होना था वही हुआ, इतना तक कि बोनी कपूर जी की जो माँ थी, श्री देवी जब दुल्हन बनकर के आई तो वो बोलती नहीं थी, ताना मारती थी कि मेरा बसा बसाया घर तूने बिगाड़ दिया। लेकिन बोनी कपूर के साथ रहने लगी श्री देवी, जिंदगी बीतने लगी। आज वो भी दिन आ गया। कौन दिन आ गया बाबू? कि अभिनय में इनके योगदान से खुश भइली सरकार, 2013 में मिला इनको पद्मश्री पुरस्कार। में आकर के पद्मश्री पुरस्कार लायक हो गई श्री देवी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर ली। समय बीतता गया बाबूजी, धीरे धीरे श्री देवी की दो बच्ची भी हो गई बोनी कपूर के शरीर से। पहली बेटी का नाम जो आज एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग की दुनिया में है, श्री देवी की ख्वाहिश थी मेरी बेटी एक्टर बने, हीरोइन बने, तो पहली बेटी का नाम जानवी था और दूसरी बेटी का नाम खुशी। समय बीत रहा है, हंसी खुशी से दिन बीत रहा है। अब तो श्री देवी एक्टिंग करना भी बंद कर दी थी और अपनी बेटी को एक्टिंग कराना चाहती थी, बड़ी बिटिया को, जानवी को। इसी बीच घटना घटती है। क्या यह घटना घटल बा? भतीजा के शादी होई दुबई सहारिया में, दुबई सहारिया में कई क्या चलाली पालन हो। संगवा में पति रहले छोटकी कुमारिया हो, छोटकी कुमारिया हो, 18 के धाईली बीमान। सुबह सुबह शादी बीतल बीसा फरावारी के, बीसा फरावारी के गुजला देखा मंगल गान। भाई के फ्लाइट बोनी मुंबई में आई गई ले, मुंबई में आई गई ले, विदा भइल सब में हमान। होटल में रुकी गईली अकेले गुजारिया हो, अकेले गुजारिया हो, विधि का रहे विधान। तीन दिन होटल से आईली ना बहारा बाबू, आईली ना बहारा बाबू, रहली वो बहुत परेशान।
भाई के फ्लाइट बोनी दुबई फिर आई गईले, दुबई फिर आई गईले, पहुंचे होटल दरम्यान कहे ले डार्लिंग सर पर राई तो के डिनर दे, सर पर आई तो के डिनर दे, बेबी कर चली स्नान। बाबूजी जैसा कि प्रमाण मिला है, शादी ब्याह दुबई में, भतीजा के शादी रिश्ता में पद में वो लड़का भतीजा लागत रहे, जेकर शादी रहे बाबा मोहित मारवा बाबा, और वही शादी में गई थी बोनी कपूर, छोटी बेटी खुशी और श्री देवी बाबा। दुबई के होटल में लोग ठहरे थे, उनके पूरे रिश्तेदार आए थे। शादी ब्याह ठीके से बीतल, शादी ब्याह बीत गईले के बाद वहां से बोनी कपूर छोटी बेटी खुशी को लेकर के बंबई के लिए चल दिए। श्री देवी जी बोली हैं कि अभी 2-3 दिन तक हम दुबई में हम रहेंगे, रुकेंगे, और सब रिश्तेदार आए हैं, सबसे मिलजुल करके हम आ जाऊंगी। लेकिन कुछ खास काम था, खुशी जो छोटी बेटी थी उसको बंबई में, इंडिया में बोनी कपूर बेटी को लेकर चले आए, और आकर के बेटी को बंबई छोड़ करके बगैर किसी से कहे, बगैर श्री देवी से भी बताए सरप्राइज देना चाहते थे, वो शाम को रात में ही फिर फ्लाइट पकड़ लिए, बेटी को छोड़कर दुबई पहुंचे। सोच रहे थे कि सरप्राइज देंगे कि अचानक देखेगी श्री देवी हमको तो अवाक हो जाएगी कि अभी तो आप इंडिया गए फिर कैसे चले आए। तो सरप्राइज देने के लिए पहुंचे, और जब पहुंचे तो श्री देवी जी होटल के कमरा में जिस थी उस कमरा में पहुंचे हैं। आज जब बोनी कपूर पहुंचल कमरा में तो श्री देवी उस समय प्रमाण मिलल बा कि सूतल रहली, जगवलन हम देखलिन चिहा गईलिन, आप तो गए इंडिया और फिर इतना जल्दी कैसे चले आए। सोई हुई थी, बोले कि चलिए आज डिनर साथ में करेंगे हम लोग। बोनी कपूर उठ करके गई श्री देवी बाथरूम में नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और वहीं पर टहलने लगे बाहर रूम के निकल करके बोनी कपूर। जब कुछ देर हुआ बाबू नहीं निकलती हैं बाथरूम से, बोनी कपूर जी जाकर के दरवाजा खटखटाए, अंदर से कोनो आहट ना मिलल, दरवाजा जोर जोर से पीटे लगलन बाबा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तब बोनी कपूर जी दरवाजा को तोड़े हैं, आ तोड़ के जब जाता हूँ बाथरूम में देखा था हूँ तका कि श्री देवी टप भरल व पानी से, और वही पानी में गिर चुकी है। जो चेहरा है वो टप के पानी में डूबा हुआ है। तुरंत निकाल के मुंह से पानी निकाले के कोशिश कैलन बोनी कपूर, और सबसे पहले अपने दोस्त के यहाँ फोन करते हैं, दोस्त आया है, फिर पुलिस को फोन किए, पुलिस आई, हॉस्पिटल में श्री देवी को लोग ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुका था बाबू, डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। और जब मृत घोषित कह दिया वो समय बोनी कपूर फूट फूट करके रो रहे हैं। बोनी कपूर फूट फूट करके रोने लगे, लेकिन पुलिस को अब शंका होने लगी कि आखिर बाथरूम के टॉप में श्री देवी कैसे मर गई। नतीजा निकला, बोनी कपूर से 2 दिन तक पूछताछ होता रहा। दुबई की पुलिस, दुबई के प्रशासन बोनी कपूर पर ही शक करने लगे कि कातिल इसका पति ही बोनी कपूर है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला बाबू। जब बोनी कपूर
किसी तरह से तब तक बोनी कपूर का जो बेटा है, मतलब श्री देवी का सौतेला बेटा अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर भी तब तक दुबई पहुंच गया। और जो बड़ी बेटी थी जानवी, वो जानवी शूटिंग पर थी, जिसे बड़ी तमन्ना थी श्री देवी की कि मेरी बेटी हीरोइन हो जाए। अपने आंखों से हीरोइन बनना उसको देखना चाहती थी, उसकी फिल्म अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन जब पता चला है श्री देवी की बेटी जानवी को और खुशी को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, दुबई में अभी लाश है, उस समय दोनों बेटी एक जगह बैठ करके और रोती हैं और रो करके कहती हैं, क्या दोनों बहन रोतारी नहीं है कहतानी का छोड़ी के याद जल में नवरियानू हो, छोड़ी के याद जल में नवरियानू हो, कहाँ गईलू मैं माई, चारो ओरा लौके बस अन्हरियानू हो, माई के निया हम जाई, चारो ओरा लौके बस अन्हरियानू हो, माई के निया हम जाए, के कहब माई भाई दिहलना बसैया, के अब सुलाई हम के चरा के छैया, दोनों बहन रोत अड़ी से ये रो के कहता कि माई भगवान एगो हमनी के भाई ना दिल आ तू छोड़ के चल गई, अब हमनी के दोनों बहन कैसे रह जा, के कहब माई भाई दिहलना गोसैया, के अब सुलाई हमके आचरा के छैया, कम में बीती मोर पीती मोर उमरिया नू हो, रोवा बयासिया गिराई, आखिर का बाबू दोनों लड़की इधर इंडिया में रो रही हैं, लेकिन वह तनी दुबई में सुना, दुबई में आज बाबू बोनी कपूर के साथ का होत बा, बोनी कपूर जी श्री देवी के लाश लेकर रोत आन, यार बेटी दोनों इंडिया में रोत पानी और दुबई में श्री देवी के लाश लेके बोनी कपूर रोत हुन, भयल का बाबू आए कि पहुंचल खबरिया जब आप,
पहुंचल खबरिया जबू मुंबई नगरिया भैया, चारों ओर देशवा में मचल हाहाकारी। ओ ये दुखी तो सब असिया बहावे दादा, शोक सांत्वना दिल्ली केंद्र सरकारी। ओके गमगीन सब सोच मनवा में बाबू, सपना ही बाट या हकीकत बाई यारी। अचानक जब इंडिया में खबर चली है, लोगों को पता चला है, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी श्रीदेवी अच्छी थी, कैसे एक बाइक अचानक की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन पहुंचल बे पुलिस तब होटल दारा में नवा भैया, जांच में जुट गई अब दुबई सरकारी। भारतीय दूत नवा दीप आई गई ले बाबू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब भैली तैयारी। पनिया में डूबाला से इनकर मौत भइल दादा, सुनी के शंका धरेला बड़ियारी। आखिरकार सब अवाक है, श्रीदेवी की मौत नहाने वाला पानी के टॉब में डूब करके मर गई, सोचने वाली भी बात है। आखिर जांच पड़ताल शुरू हुआ है बाबू, बोनी कपूर से 6-7 घंटा तक दुबई की पुलिस पूछती रही, क्योंकि शक की सुई बोनी कपूर पर ही जा रही थी। लेकिन निर्दोष निकले बोनी कपूर, अपनी बीबी श्रीदेवी की लाश को लेकर के रोते रहे, जो कुछ पुलिस पूछती बताते रहे। पोस्टमार्टम जब हुआ श्रीदेवी की, तो पोस्टमार्टम में श्रीदेवी के खून में अल्कोहल पाया गया। ब्लड में अल्कोहल पाया गया कि मतलब कुछ अल्कोहल का सेवन की थी, जबकि प्रमाण मिलता है ये बात कि श्रीदेवी कभी दारू पीती ही नहीं थी। कभी काल, वो भी कभी काल बाई दबे श्रीदेवी को पता चलता था बियर पी लेती थी, लेकिन दारू पीती नहीं थी। लेकिन उसके ब्लड में अल्कोहल का मात्रा पाया गया। फिर जो हम लोगों के हिंदुस्तान के दूतावास है, वहां से अधिकारी गए और दुबई सरकार से बात करके लाश इंडिया में भेजवाने का प्रयास किए। तब तक इधर से अंबानी जी की हेलीकॉप्टर चार्ट विमान चला गया था, वहां दुबई जाकर के लग चुका था एयरपोर्ट पर श्रीदेवी की लाश लाने के लिए। बाबा अनिल अंबानी जी अपनी प्राइवेट विमान भेज चुके थे, और उसी अंबानी जी के ही, अनिल अंबानी के ही विमान से श्रीदेवी की अंततोगत्वा लाश इंडिया में लाई गई। नतीजा निकला बाबू, जब इंडिया में लाश आई है 27 तारीख को, रात में लाश आई है, 28 तारीख को अंतिम दाह संस्कार हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। जो दूरदर्शन पर देखे होंगे, टेलीविजन पर देखे होंगे, न्यूज पढ़े होंगे बाबू, अभी आज तक किसी नायिका के, हीरोइन के मरने के बाद बंबई में इतना भीड़ नहीं हुई थी। लोग आंसू बहा रहे थे और अंतिम दर्शन करने जा रहे थे। बॉलीवुड के जितने सितारे थे, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी शाम के वक्त में शमशान घाट में पहुंचे हैं। सुबह में उनकी पत्नी जया बच्चन जी और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जी सुबह में ही अंतिम दर्शन किए, लेकिन कोई कारणवश अमिताभ जी, महानायक,
श्मशान घाट में शाम को पहुंचे हैं और जाकर अंतिम दर्शन किए। बाबा जो आया है जाना है, फर्क इतना ही है कि कोई समय से जाता है और कोई बेसमय से चला जाता है। समय से जाने पर खुशी होती है और जब आदमी बेसमय से जाता है बाबू तो दुख होता है। श्री देवी की अंतिम ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई, बेटी को हीरोइन बनाना, बेटी की हीरोइन बन करके बेटी की फिल्म देखना, उनकी ख्वाहिश यही अधूरी रह गई। लेकिन शायद बोनी कपूर बोले हैं कि श्री देवी मरी नहीं है, जिंदा है। और श्री देवी पर एक दिन न्यूज में आ रहा था बाबू कि श्री देवी पर बोनी कपूर डॉक्यूमेंटरी बना रहे हैं। गाने का अंतिम प्रमाण कहा गया क्या कि अरे काल कली के मार के देखा खुद रोवत बाप, तब उनका गम में देखा पूरा बॉलीवुड रोवत बाप। अमीर ऋतिक सलमान हो, अगम डूब गई ले देखा पूरा हिंदुस्तान हो। गाना के अंतिम लाइन रहल, जय जखाण गुरु जद्दू लौटन श्री नारायण ज्ञानी, कथन करे जी तू मन मौजी मितवा सुभाष जी सानी, हो बे भीखे जलवा फैलल सगरो, ओपी कहे मौत सबको आगोश में।